दिल से न जाना धोखा न खाना दुनिया बड़ी बेईमान हमारे दिल से न जाना धोखा न खाना दुनिया बड़ी बेईमान हमारे दिल से न जाना हमारे सागम पनी सानी गम पगम ग। दोस्तों ये जो गीत मैंने भी गाया ये राग बिहाग पे आधारित है। जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया है राग बिहाग के बारे में कि राग बिहाग में आरोह में 5 स्वर लगते हैं और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं जिससे राग बिहाग की जाति औडव संपूर्ण मानी जाती है। औडव में 5 स्वर लगते हैं और संपूर्ण में 7 स्वर लगते हैं, ये दोनों जातियां हैं। अगर 6 स्वर लगेंगे तो शाडव उसे बोला जाता है। तो बिहाग का आरोह अवरोह क्या है? सा नि सा ग म प नि सा आरोह हुआ सा नि ध प म ग रे सा। ये अवरोह हुआ। और दोस्तों राग बिहाग में ऋषभ और धैवत स्वर बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए यूज होता है और इसका जब भी हम आलाप में प्रयोग करते हैं तो ऐसे करते हैं आ आ ग रे सा आ, ऐसे नहीं ग रे सा। जो रे का ड्यूरेशन मैंने अभी लगाया ऐसे नहीं लगाना है, ग रे सा आलाप में ऐसा आएगा आ, ऐसे। दोस्तों इसी प्रकार हम धैवत का भी प्रयोग करते हैं, लाइक सानी धपा, ये सही तरीका है आलाप में, ये ऐसे आएगा आ, इसको ऐसा नहीं करेंगे आ, सानी धपा ऐसे नहीं, सानी धपा। ध और रे बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए यूज होते हैं, तान पे आप जा सकते हैं लाइक सानी धप म ग रे सा नि सा ग म ब नि सा। लेकिन आलाप में हम आलापचारी जब करते हैं रागों का तो उसमें आपको ऋषभ और धैवत बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए मात्र छू के आ जाना है, ऐसे लगाया जाता है। इससे राग बिहाग का जो स्वरूप है वो बना रहता है। तो दोस्तों यही राग बिहाग की पहचान है। जब हम ऋषभ और धैवत को कम ड्यूरेशन में लगाते हैं आ, यही राग बिहाग की खूबसूरती है। और जब भी हम राग को गाते हैं तो उसका स्वरूप ना बिगड़े इन सब बातों का ध्यान रखते हुए गाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको राग बिहाग की बंदिश सिखाने जा रहा हूं जो कि मैंने अपने एमयूज के दौरान, बीएचयू से मैंने एमयूज किया है, उस दौरान मैंने डॉक्टर रामशंकर सर से सीखी थी। वो मैं आपको जैसे से मैंने सीखा वैसे आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों ये 3 ताल में बंदिश है और 12वीं मात्रा से शुरू होती है। ये पंडित रामरंग जी की बंदिश है, पंडित रामाश्रय झा जी की बंदिश है। मैं अपने पास इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा और तबला दोनों एक ही में है, इसे पास में अभी है मेरे, इसे अपने पास में रखा हूँ मैं। और अभी मैं 3 ताल बजाऊंगा और गा के आपको बताऊंगा बंदिश। पिहरावा मोरी मान ले रे अरज
अंतरे को सीखते हैं। बैन सुनत अनत गवन की बैन सुनत अनत गवन की राम रंग मेरो कांपे जिया रे पिहरावा मोरी मान ले रे पिहरावा बब बब गम बनी सानी धब मब गम बनी नीनी धब मब गम पम गम गगरे सा पिहरावा मोरी मान ले रे पिहरावा 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 बहुत ही प्यारी बंदिश है दोस्तों। और दोस्तों मैं इसका नोटेशन अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूंगा, तो सबसे पहले आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक करिए जो कि fb.com/rockingab, ये मेरा ऑफिशियल पेज है। इस पेज को आप लाइक करिए ताकि जब भी मैं इस नोटेशन को अपलोड करूंगा आप उसे देख लें, नोटिफाइड हो जाए और इस बंदिश का रियाज करें। लेकिन सबसे बेहतर दोस्तों ये होगा कि आप जैसे मैंने गाया है उसको फॉलो करें, उसको सुन के गाने की कोशिश करें। नोटेशन से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। ये मैंने बंदिश आपको वैसे ही सिखाया जैसे मैंने सीखा है, कुछ भी इसमें बनाया नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा में आगे बढ़ाते हुए आपको ये दे रहा हूँ, आप इसे सीखिए और राग बिहाग गाइए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियोस से अपडेट होते रहें। क्या आपने सब्सक्राइब किया? अगर किया तो यस टाइप करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछें।